Hey guys, welcome to the Ultimate Channel. मेरा नाम है आदित्य। तो guys, हमारे Dog versus Dog के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दो बहुत ही पॉपुलर और थोड़े बहुत बैड रेपुटेशन वाले डॉग ब्रीड्स, अमेरिकन पिटबुल टेरियर और डॉबरमैन पिंचर के बारे में। तो गाइज, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि द अल्टीमेट चैनल ने स्ट्रीट डॉग के पपीज के लिए एक नया कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसमें हम उनको वैक्सीनेशंस और मेडिसिंस वगैरह दिलवाएंगे, जिससे वो खतरनाक बीमारियों से बच सके। तो अगर आप भी इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप जितने भी डॉग लवर्स हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इन पपीज के लिए डोनेशन दे सकते हैं पेटीएम के जरिए, और डोनेशन की अमाउंट कोई भी फिक्स नहीं है, तो आपका जितना मन हो आप दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और पेटीएम का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां पे डोनेशन दे सकते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं अमेरिकन पिटबुल टेरियर वर्सेस डॉबरमैन पिंचर के बारे में। तो सबसे पहले पिटबुल के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम जान लेते हैं कि दोस्तों, जो पिटबुल है उसकी डॉग वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा बैड रेपुटेशन है कि ये डॉग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, लोगों को काटते पीटते रहते हैं और कभी कभार जान भी ले लेते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सच भी है। बट मेरा मानना यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उसके पीछे ओनर की ही गलती रहती है, क्योंकि पिटबुल की जो ब्रीड है वो ऐसी ही है, मतलब एग्रेसिव टाइप की है। उन्हें पहले पिट्स में यूज़ किया जाता था बुल्स और बियर जैसे जानवरों को टॉर्चर करने के लिए, मतलब एक जो पिट है उसमें किसी बियर को छोड़ दिया और काफ़ी सारे पिटबुल छोड़ दिए, और वो पिटबुल उस बियर को काट रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, और वो देख के लोगों को मज़ा भी आता था। सो उस ब्रीड को ही ऐसे बनाया गया है, और उसके बाद अगर ओनर भी ऐसे है कि उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पाते, या फिर अपने आसपास के लोगों से, अपने रिलेटिव से और दूसरे डॉग से नहीं मिलवाते, जिस वजह से वो थोड़े बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है, जिन लोगों के पास पिटबुल होता है वो पिटबुल को अपने तक ही रखते हैं, मतलब अपनी फैमिली में, अपने घर में रखते हैं और ज़्यादा बाहर घूमने फिरने नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास पिटबुल है तो बाय चांस अगर इसने किसी को काट लिया, किसी बाहर वाले को काट लिया, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिस वजह से मैं ये अपने तक ही रखता हूँ, मतलब अपने घर में ही रखता हूँ। लेकिन होता क्या है, उसका उल्टा ही हो जाता है, मतलब अगर आप उसे लोगों से मिलने ही नहीं देंगे तो वो इंटरेक्ट कैसे करेगा लोगों के साथ। तो इसीलिए कहा जाता है कि बचपन से ही ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन पिटबुल, रॉटवाइलर, डॉबरमैन और जर्मन शेपर्ड इन जैसी डॉग ब्रीड के लिए ज़रूरी होता है। ट्रेनिंग भले ही आप थोड़ा लेट दे सकते हैं या फिर चाहे तो ना भी दे सकते हैं, लेकिन सोशलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो उसके टेम्परमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बट इसके अलावा कुछ ऐसे भी पिटबुल डॉग ओनर्स देखे हैं मैंने जो अपने डॉग को बहुत ही अच्छी तरीके से संभालते हैं, मतलब जब डॉग शोज में वो आते हैं तब सभी डॉग्स के साथ ईजिली घुल मिल जाते हैं, खेलते हैं उनके साथ एक साथ, और कोई भी बंदा आके उन्हें प्यार करता है और उनके साथ घूमता है, उनको पकड़ता है। तो इसे देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि पिटबुल की जो बैड रेपुटेशन बनी हुई है वो असल में वैसी नहीं है। ओनर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो अपने डॉग को कैसे रखते हैं, कैसे संभालते हैं। और गाइस, अब बात करें डॉबरमैन की, तो डॉबरमैन सबसे पहले बता दूं, मेरी वन ऑफ द फेवरेट डॉग ब्रीड में से एक है, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं डॉबरमैन। बट डॉबरमैन की भी पिटबुल की तरह काफ़ी बैड रेपुटेशन है डॉग वर्ल्ड में, हालांकि पिटबुल जितनी तो नहीं है लेकिन फिर भी है। लोग मानते हैं कि डॉबरमैन काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, खतरनाक होते हैं, दूर रहना चाहिए इनसे, देखते ही कहते हैं और काट लेंगे ये, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं भी इतने डॉबरमैन से मिला हूँ लेकिन अभी तक कोई ऐसा दिखा नहीं है जो मुझे देखते ही काटने के लिए दौड़ने लग जाए, या फिर मुझे देखते ही बहुत ज़ोर ज़ोर से बार्क करने लग जाए एग्रेसिव तरीके से, ऐसा कुछ होता नहीं है। डॉबरमैन को देख के आपको दूर से लग सकता है कि हाँ, इस डॉग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी मसल्स इतने बड़े होते हैं और एक तो उनके कान क्रॉप होते हैं तो और भी ज़्यादा थोड़े डेंजरस लगते हैं वो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, तो कुछ साल पहले मेरे घर के नीचे कोई बंदा डॉबरमैन छोड़ के चला गया था, लेकिन फिर उसके बाद रात के करीब 11:30 बज रहे थे, तो उसके बाद डॉबरमैन को हम रेस्क्यू करने जा रहे थे, लेकिन हमें भी डर लग रहा था कि कहीं वो भी हमें ना काट ले। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसे हाथ लगाया, उसे प्यार किया और उसने कुछ बोला भी नहीं, जबकि मैं उसके लिए पूरा एक अननोन बंदा था। फिर उसके बाद वो मेरे साथ खेल भी रहा था काफ़ी टाइम तक, लेकिन फिर उसके बाद एक बंदा ढूंढा हमने जो उसको रेस्क्यू करके, अडॉप्ट करके लेकर गया, और जो बंदा उसे छोड़ के गया था, ओनर था, वो तो कभी आया ही नहीं। सो अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है और डॉबरमैन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको यही बताऊँगा कि हाँ, आप डॉबरमैन ले सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसको अच्छे से
ट्रेनिंग दे, अच्छे से लोगों से मिलवाए, डॉग से मिलवाए, अपने फैमिली मेंबर से मिलवाए। और ध्यान रखिए इस बात का भी, आप उसको सोशलाइजेशन तो पूरी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको हमेशा रूम में बंद करके रखते हैं, या फिर उसे लीश से बांध के रखते हैं, या फिर उसको मारते हैं। तो इस वजह से भी वो कभी कभार, डॉबरमैन ही नहीं सारे डॉग्स ही, इस चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। डॉबरमैन जनरली हेल्दी डॉग होते हैं और इनकी एवरेज लाइफ स्पैन अराउंड 9 to 12 ईयर्स के आसपास होती है, लेकिन अगर आप इनकी ज़्यादा अच्छे से केयर करते हैं तो हो सकता है कि इनकी लाइफ स्पैन अराउंड 13 टू 15 या फिर 16 तक भी जा सकती है। और पिटबुल की बात करें तो पिटबुल को मैं फ़र्स्ट टाइम ओनर्स के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से फर्स्ट टाइम डॉग ओनर वाले देखे हैं जो पिटबुल को बहुत ही ईजिली संभाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ओनर संभाल नहीं सकते, वो गलती सेकंड टाइम ओनर से भी हो सकती है, लेकिन एक सेफ ऑप्शन के लिए आप अगर एक्सपीरियंस डॉग ओनर है तो ही पिटबुल को लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ओनर जो होता है वो डॉग्स के साथ उतना मिला जुला हुआ नहीं होता। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसे ना पता हो, जिस वजह से पिटबुल जो है एग्रेसिव बन जाए और फिर बाद में उसको कहीं रेस्क्यू सेंटर या फिर अडॉप्शन सेंटर में छोड़ के आना पड़े। एंड अगर आप पिटबुल को बच्चों के साथ रखना चाहते हैं तो हाँ, आप रख सकते हैं, और बचपन से रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो फिर उसे अपना मानेगा तो उसमें उतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो उसको अपने एज अ फैमिली मेम्बर ही देखेगा। सो गाइज, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और जैसे कि पहले बताया, अगर आप स्ट्रीट डॉग्स के पपीज़ के लिए डोनेशन देना चाहते हैं तो मैंने पेटीएम नंबर नीचे दिया हुआ है, तो आप उसके थ्रू डोनेशन दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को, और नीचे कमेंट करके अपने थॉट्स ज़रूर बताएं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।